दर्शकों का फिर से एक बार हम इन विशेष न्यूज पे स्वागत करते हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर एक और अयोध्या में शिलान्यास की पूरी तैयारियां जो पूजा अर्चना वहां पर शुरू हो चुके वही अगर हम नागपुर की बात करते हैं, नागपुर में भी ये जोर शोर, राम जन्मभूमि के शिलान्यास का कुछ कम नहीं है। जी हाँ, इस वक्त हम आपको सीधे ले चल रहे हैं पोद्दारेश्वर राम मंदिर, जहाँ पर हमारे संवाददाता स्वप्निल गुंदाड़े कैमरा पर्सन के साथ में वहां पर खड़े हुए हैं। सुभाष हमारे कैमरा पर्सन वहां पर है, वहां के दृश्य स्वप्निल क्या दृश्य है वहां पर, क्या स्थिति बन रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर अभी अगर फिलहाल की हालत में देखें तो हम लोग आज वैरायटी स्क्वायर पे अभी फिलहाल खड़े हैं, और वैरायटी स्क्वायर की अगर बात की जाए तो वैरायटी स्क्वायर जो है हर वक्त जो है चर्चा के विषय रहता है। यहाँ पे हर धार्मिक त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जो है यहाँ पे बहुत सारा जश्न मनाया जा रहा है, जगह जगह पे जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं, और सुबह से यहाँ पे जो है उत्साह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ महाराज शिवानी का ही है, शिवानी का क्या बताएंगे आप, किस तरह से आप कराएंगे इस पर? हम बहुत ज्यादा खुश है, ये हम हमारे सारे कार्यसेवकों की जीत है, जिन्होंने केवल अपनी जवानी नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी तक इस विषय को दे दी। अशोक जी सिंगल हो, हमारे श्रद्धा बिहारी वाजपेयी जी हो, या फिर बाला साहब ठाकरे हो, इन सबके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हो या आम जनता हो, जो इस विषय पर आस्था रखने वाले लोग थे वो सब वहां पर गए। हमारी जनरेशन ने तो ये सब देखा नहीं है, लेकिन जब आज एक हमें मौका मिला है हमारी अस्मिता की लड़ाई जो हम जीत चुके हैं तो उसको सेलिब्रेट करने का, तो आप माहौल देख रहे हैं पूरा नागपुर सज चुका है। ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन है नागपुर में, इसका कहीं ना कहीं असर इस आंदोलन को 100% असर हुआ है। जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2% भी नहीं है हमारे आनंद का। हम नियमों में रहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे उत्साह को कर्व कर रहे हैं, लिमिट्स में रखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वप्निल जो रामनवमी की जो बात थी, रामनवमी का उत्साह था जो कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो आज आज उसकी कसर निकल रही है, पूछिए जरा। जी सर, हाँ असं वाटतंय का की रामनवमीला जे उत्सव आता नागपूर मध्ये जो झाला नाहीये, जी शोभायात्रा नाही झाली, कुठे ना कुठे यावर्षी आज जी वेळ आहे ही एक संधी मिळाली आम्हाला नक्की, पण लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे आम्हाला तो आनंद कशा प्रकारे मनवता येत नाही, तरी आम्ही प्रयत्न करतोय चौकटीत राहून कशा प्रकारे करता येईल। युवा मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आणि आम्ही खूप आनंदित आहोत। एकीकडे नागपूर मध्ये जे आहे कोरोनाचे दररोज पेशंट वाढत आहे, याबद्दल देखील म्हणजे की नागपूरकर, प्रत्येक नागपूरकर हा घरी राहून राम जे उत्सव आहे तो 100% तुम्ही ते बघू शकता किंवा इथे 10-15 लोक दिसतील, याच्यापेक्षा जास्त लोक नाही आहे इथे। 12:44 स्वप्निल जो आहे मुहूर्त आहे आवाहन करतोय त्यांना येऊ देत नाही आहे, सांगून की बाबा प्लीज घरी राहा, कोरोनाचे पेशंट वाढतात, पण कमीत कमी एवढंही प्रेझेंटेशन नाही केलं तर मग काय करेल। हे आयुष्यभराचा सगळ्यात मोठा त्योहार आजचा, एकंदरीत 12:48 हा मुहूर्त आहे आणि 12:44 आणि 8 सेकंदाचा मुहूर्त आहे, 12:44 काय सांगशील याच्याबद्दल, काय हा शुभ मुहूर्त? प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते आणि कदाचित या गोष्टीचा मुहूर्त हा 12:44 आहे, निस्संदेह तो आहे, पण आमची तयारी गेल्या 2 दिवसापासून सुरू आहे आणि आम्ही फक्त याच गोष्टीची प्रतीक्षा करत होतो। आज याची देही याची डोळा हे बघायला मिळेल असं कधी वाटलं नव्हतं आणि आज ते बघायला मिळतं, शब्दात वर्णन नाही करू शकत एवढे आनंदी आम्ही आहोत। एकीकडे म्हणजे की नागपूरमध्ये अजून काय काय उत्सव रात्री आज दिवसभरामध्ये 5 तारखेला होणार, आमचं सुंदरकांड झालं, महाआरती झाली, संध्याकाळी एक फटाका शो आम्ही करू आणि कोरोनामुळे काहीच उत्सव आम्ही करत नाही, बस शहर सजवलाय, आमचे 5-7 लोक इथे दिवसभर थांबतील कारण की एवढं सगळं सजवलं तर कोणी पाहिजे, संध्याकाळी पुन्हा आम्ही 10-11 लोक अजून ऍड होऊन जाऊ, सोशल डिस्टन्सिंग पाळू, फटाका शो करू, आपापल्या घरी जाऊ। सर तर हे होते व्हरायटीज का औकात नव्हतं, इथे जे आहे उत्सव जो आहे तो असाच सुरू राहणार आहे आणि दिवसभर जे आहे तिथे काही लोक असतील, सकाळी सुंदरकांड झालेला आहे, महाआरती झालेली आहे, दिवसभर रात्रीला फटाका शो असणार आहे, याबद्दल आत्ताच आपल्याला युवा मोर्चा अध्यक्ष जे आहे शिवानी दायदांगी यांनी सांगितलं आहे। तो येथे भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा की अध्यक्षा शिवानी दानी जो नागपुर से वैरायटी चौक पर से हमारे संवाददाता स्वप्निल गुंदाड़े के साथ में बात कर रहे थे, जो कि वहां पर मौजूद है हमारे कैमरा पर्सन सुभाष के साथ में। और इस एक ही वक्त पर यहां पर हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या से जो है प्रधानमंत्री महोदय अब कुछ ही समय में शिलान्यास का मुहूर्त है, 12:44 और 8 सेकंड का शिलान्यास, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य पूरा देश रहने वाला है। ये दृश्य आप देख सकते हैं इन विशेष न्यूज पर लाइव देख रहे हैं आप, और
नागपुर के भी दृश्य जो आपको दिखाए, और वहाँ के कार्यकर्ता जो है स्वप्निल बड़ा उत्साह दिख रहा है वहाँ पर, और कोशिश करें वो लोग भी कि एक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में बेहतरीन डिसिप्लिन पूर्ण वातावरण, पूरा युवा वर्ग है वहाँ पर। सर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पीछे में जो है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो बोला जाएगा एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है और नागपुर महानगर के डाइनिंग टाइम पे पालन करिएगा। और आप देख सकते हैं ये शहर का जो है वैरायटी चौक है ये बहुत जाना माना चौक है, यहाँ पे हर त्योहार जो है बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। सवेरे से यहाँ पे महाआरती हो चुकी है, सुंदरकांड हो चुका है और पूरे चौक में जो है पूरा भगवा कर दिया गया है। और साथ अगर देखा जाए तो पूरी तरह चौक में जो है रंगोली जो है डाली गई है। साथ में ही जो कार्यकर्ता और जो राम भक्त है उनकी ओर से यहाँ पे जो सिग्नल पे जितने भी लोग रुक रहे हैं उन्हें लड्डू वितरण किया जा रहा है, और साथ हर तरह का यहाँ पे माहौल जो है उत्साह के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत आपके पीछे के जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं किस तरह से सुसज्जित वो मंच किया गया है जहाँ पर श्री राम सीता लक्ष्मण की प्रतिमा और पूरा उनका जो है राज्यभिषेक का जो है वहाँ पर एक चित्रण वहाँ पर आपके पीछे जो है हमारे दर्शकगण देख रहे हैं। वैरायटी की हम बात करें वहाँ पर एक सुंदर एक चित्र वहाँ पर दिख रहा है, और जैसा वो दृश्य रहा होगा वैसा दृश्य आज है कहीं ना कहीं जो पूरा भारतवर्ष जो एक पर्व मना रहा है, खुशियों का पर्व, एक उत्सव मना रहा है आज। स्वप्निल सर यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सवेरे से जैसे शिवानी ताई ने हमें बताया कि जिस तरह से अयोध्या में जो है उत्सव चल रहा है आनंद उत्सव, उसी तरह नागपुर में भी जो है आनंद उत्सव चल रहा है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से ये उत्सव जो है कार्यकर्ताओं में साथ ही राम भक्तों में जो है कम दिखाई दे रहा है, और हर कार्यकर्ता हर राम भक्त अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये त्योहार मनाने के लिए तैयार है।